देखिए मेवाड़ रियासत हमारी चल रही है और मेवाड़ रियासत में हम महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह कर चुके, अमर सिंह के बाद उसका पुत्र कर्ण सिंह गद्दी पर बैठा और कर्ण सिंह के बाद उसका पुत्र जगत सिंह प्रथम। ठीक है, इस जगत सिंह प्रथम के बारे में एक पॉइंट अभी और नोट करना है, उसमें देखेंगे। तो जगत सिंह प्रथम जो था ना, जो संधि हुई थी अमर सिंह प्रथम और साझा के बीच में, लेकिन शासनकाल किसका था? जहांगीर का। ठीक है, कि साझा और अमर सिंह प्रथम के मध्य में जो संधि हुई थी जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में, उस संधि की जो शर्त थी वो मैं आपको बता चुका था। ये शर्त ये थी कि भाई जो मेवाड़ रियासत है वो मुगलों के अधीन हो जाएगी, लेकिन जो दुर्ग था ना वो मेवाड़ के शासकों के पास ही रहेगा, लेकिन उस दुर्ग में वह कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं करा सकते। संधि की शर्त तो यही थी। लेकिन क्या हुआ था कि ये जो जगत सिंह प्रथम था ना, इस जगत सिंह प्रथम ने ये जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, इस मेवाड़ मुगल संधि का विरोध करते हुए इस जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की जो घेराबंदी थी ना, चित्तौड़ दुर्ग की चार दीवारी का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया। ठीक है, तो ये शासक था जिसने संधि का उल्लंघन कर दिया था कि चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी जो चल रही थी उसकी चार दीवारी का काम चल रहा था, बुर्ज निर्माण का जो काम चल रहा था उस पर उसको प्रारंभ करवा दिया। ठीक है, लेकिन इधर हम बात करते हैं तो इधर तो देखो साझा गद्दी पर बैठा था कब? 1627। ठीक है, और 1627 से लेकर ये कब तक रहेगा? 1658 तक। ठीक है, तो 1627 से 1658 तक उधर मुगल साम्राज्य में साझा का काल चल रहा है। साझा ने इस जगत सिंह प्रथम का इस चित्तौड़ दुर्ग के पुनर्निर्माण वाला कार्य जो था उसको अनदेखा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गौर नहीं दिया उस पर। लेकिन कुछ समय पश्चात यहां पर देखो 1652 में किसकी मृत्यु हो जाती है? जगत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही यह जगत सिंह प्रथम की मृत्यु होती है 1652 में, तो अब जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राणा राज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ के अगले शासक राणा राज सिंह की। देखिए राणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक जाना है? राणा राज सिंह इंपॉर्टेंट शासक है, राजस्थान के कोई भी एग्जाम है हर एग्जाम में लगभग प्रश्न देता है राणा राज सिंह। शासनकाल है इसका 1652 से 1680 तक। 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक राणा राज सिंह ने शासन किया था। ये जो राणा राज सिंह है, अगर हम पिता की बात करते हैं तो राणा राज सिंह के पिता कौन हो गए? राणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, कि राणा जगत सिंह प्रथम हो गए इसके शासनकाल में। देखो ये राणा राज सिंह, क्वेश्चन आया था अभी पिछले वर्ष कि विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो इसकी एक उपाधि है राणा राज सिंह की उपाधि, और इसकी उपाधि कौन सी उपाधि धारण की है? विजय कटकातु। ध्यान रखना ये प्रश्न आया था कि विजय कटकातु कौन है? राणा राज सिंह की उपाधि हो जाती है। इसके शासनकाल की हम देखेंगे प्रमुख घटनाएं। देखो इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उनका हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे। इधर तो राणा राज सिंह 1652 से 1680 तक, इसमें अगर हम बात करते हैं राणा राज सिंह की मुगल सेवा की, तो देखो राणा राज सिंह ने कौन कौन से मुगलों की सेवा की है, क्योंकि जब मेवाड़ मुगल संधि होगी तो भी मुगल सेवा ही हो है, क्योंकि उनके अधीन हो गए हैं। अब उनके अधीन हो गए तो ये मुगल सेवा में आएंगे। तो इस राणा राज सिंह के समकालीन अगर मुस्लिम शासकों की बात करें, मुगल शासकों की बात करें, तो कौन कौन होंगे? एक तो कौन होगा? साझा। 1658 तक तो साझा होगा, और साझा के बाद फिर गद्दी पर बैठेगा औरंगजेब। उत्तराधिकार संघर्ष चलेगा हालांकि इसके पुत्रों के मध्य में, लेकिन औरंगजेब विजय होगा और गद्दी पर बैठ जाएगा 1658 में, जो 1707 ईस्वी तक रहेगा। तो इधर यानी इन दोनों का समकालीन जो है वो राणा राज सिंह रहेगा। अब हमें इसके शासनकाल की प्रमुख घटना ये देखनी है। तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, तो देखो राणा राज सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप, बप्पा रावल आदि के विचारों से बचपन से ही प्रभावित रहा, और ये उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन कंडीशन ये थी कि इसका ना चाहते हुए भी थोड़ी सी मजबूरी थी कि इनके जो पुरखे थे वो क्या कर चुके थे? मुगलों के साथ संधि कर चुके। लेकिन इसके जो खुद के विचार थे वो उन लोगों से मिलते थे कि अपनी जो रियासत थी उसके लिए प्रतिष्ठा जो थी उसको बनाए रखना। तो यहां पर राणा राज सिंह के शासनकाल की सबसे पहली जो घटनाएं होती हैं, जैसे ये गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो ये भी
अपना जो काम होता है वो ये है कि जैसे जगत सिंह प्रथम ने जो चित्तौड़ दुर्ग की चार दीवारी का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, दुर्ग की निर्माण, ठीक है, कि चित्तौड़ दुर्ग निर्माण का जो कार्य प्रारंभ किया था संधि के विपक्ष में जाकर, उसको निरंतर आगे बढ़ाने का, ठीक है, कि निरंतरता दे दी गई, उसको रोका नहीं था, उसको और ज्यादा और तीव्र गति से, जहां जगत सिंह प्रथम ने उसको धीरे धीरे शुरू करवाया था, इस राणा राज सिंह ने उस दुर्ग निर्माण को और ज्यादा गति देते हुए और उसको अधिक निर्माण की प्रक्रिया में शुरू कर देता है। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको, जगत सिंह प्रथम ने जब उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था तो शायद विरोध नहीं हुआ था, ठीक है, अनदेखा कर दिया था, लेकिन जब उसने तेज गति से निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था तो अब इसके लिए शाहजहां ने सेना भेजी थी। यहां शाहजहां ने अपने 30,000 सैनिक भेजे थे कि जाओ चित्तौड़ पर दोबारा से घेराबंदी करो और उस जो निर्माण कार्य हो रहा है वो विरुद्ध में हो रहा है, क्योंकि संधि में ये कर रहे नहीं है। तो अब यानी जब सेना आती है तो राणा राज सिंह को पता चलता है कि ये सेना इसी कारण से आ रही है। राणा राज सिंह ने मुगलों का विरोध ना लेना ही उचित समझा था और अपनी सेना को अंदर ही बुला लिया, चित्तौड़ दुर्ग में युद्ध के लिए नहीं गया, और वहां पर उससे थोड़ा कह दिया, साझा के भेज दिया वहां पर अपना मत कि भाई ऐसा है, मुझे पता नहीं था, गलती से स्टार्ट हो गया, मुझे पता नहीं था कि भाई क्या संधि हुई है, क्या क्या है उस संधि में, क्या क्या शर्तें थी, गलती से मैंने ये स्टार्ट करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं करवाऊंगा, ये युद्ध तो नहीं हुआ इस जगह पर, लेकिन इसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य करवाए गए थे वो सारे निर्माण कार्य ध्वस्त करवा दिए, जितनी इसने चार दीवारी बनवाई थी वो सारी तोड़वा दी किसने, यानी शाहजहां ने, ठीक है, कि शाहजहां ने उसको कंप्लीटली तोड़वा दिया पूरी तरह से। अब यहां से भी विरोध बढ़ गया राणा राज सिंह में और आगे चलकर इस मुगलों के मध्य में। लेकिन अब साझा तो इस प्रतीक्षा में है कि मुझे कब मौका मिले, और जल्दी ही इसको ये मौका मिल भी जाता है, और मौका जब मिल जाता है कि देखो, जब एक तो यहां पर ये दुर्ग जो निर्माण कार्य करवाया था ये तोड़वा दिया, अब इसी बीच में ये जो साझा है ना, ये साझा होने लगा बीमार। साझा अपने अंतिम समय में बीमार हुआ था 1657 में। 1657 में जब साझा बीमार हुआ तो साझा के चार पुत्र थे, साझा के चार पुत्र थे, इनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था दारा सिकु, दूसरा था औरंगजेब, तीसरा मुराद और एक था सुजा, ठीक है। जब ये साझा अपने अंतिम समय में बीमार होने लगा तो उसी बीच में साझा के इन चारों पुत्रों में गद्दी के लिए उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है, कि भाई पापा जब मर जाएगा तो मैं बनूंगा, आपस में लड़ने भिड़ने लग गए हैं, जिसमें सबसे ज्येष्ठ जो था वो कौन था, दारा सिको, और ये जो साझा था ना, ये साझा सबसे ज्यादा प्रेम भी किससे करता था, साझा को, वो दारा सिको को, और साझा अपनी दृष्टि में दारा सिको को ही अपना उचित उत्तराधिकारी मानता था कि दारा सिको ही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन यहां पर इनके मध्य में उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट हुआ था, जिस उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत तो कौन करता है, सुजा कर देता है, वो हम भारतीय इतिहास वाले टॉपिक में जब हमने मुगल काल पढ़ा था उस समय हम इसको अच्छे तरीके से कर चुके हैं, ठीक है, वो वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह देखेंगे। तो दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा, इनके बीच में ये हुआ था, लेकिन प्रमुख रूप से जो उत्तराधिकार संघर्ष चला था वो दारा सिको और औरंगजेब के बीच में चला था। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ, 1659 में दौराई जो अजमेर के पास हुआ, ये युद्ध हुए, ठीक है, और यानी ये जो निर्णायक युद्ध थे, धर्मत का युद्ध और दौराई का युद्ध, 1659 धर्म दौराई का हुआ, इसमें औरंगजेब ने अंतिम रूप से परास्त कर दिया किसको, दारा सिको को, हालांकि औरंगजेब 1658 में ही गद्दी पर बैठ चुका था, ये गद्दी पर बैठने के बाद 1659 में दौराई का युद्ध हुआ था। तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक किसका शासन है, यहां औरंगजेब का शासन था। तो ये तो इधर उत्तराधिकार संघर्ष में लग रहे थे, उधर इस स्थिति का फायदा उठाया था किसने, राणा राज सिंह ने, और राणा राज सिंह ने जब इधर उत्तराधिकार, ये बीमार था और ये उत्तराधिकार में चल रहे थे, तो इसी समय राणा राज सिंह ने टीका दौड़ उत्सव का बहाना बनाया। ये टीका दौड़ क्या है, टीका दौड़ एक ऐसा उत्सव मनाया जाता था मेवाड़ रियासत में कि हर वर्ष प्रति वर्ष एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता था, और उस शुभ मुहूर्त में जो मेवाड़ के शासक थे ना, वो मेवाड़ के शासक अपने राज्य और राज्य के बाहर एक शिकार का आयोजन करते थे। तो ये जो शिकार का आयोजन करते थे ना, तो ये उत्सव किस नाम से जाना जाता था, टीका दौड़ उत्सव के नाम से जाना जाता था। और इधर तो चल रहा है उत्तराधिकार के संघर्ष,
और इसी बीच में इसने इसका फायदा उठाया, राणा रासिंह ने किसका प्रोग्राम कर दिया, टीका दौड़ का। और टीका दौड़ के बहाने राणा रासिंह ने अपने राज्य से बाहर जो मुगलों के ठिकाने थे ना उनको लूटा, उनको आक्रमण किया, ठीक है, उनको लूटा, वहां से धन खजाना भी प्राप्त किया था। तो यहां पर ये कंडीशन इसने अपना ली। उसी बीच में इधर साझा मर जाता है 1658 में, और इन्हें उस उत्तराधिकार संघर्ष जब चलता है तो देखो जब ये टीका दौड़ करके वापस आ रहा होता है ना तो उसी समय में इसे दारा सिखों का एक पत्र मिलता है। ये अधीन तो थे ही सबके, तो दारा सिखों अपनी सहायता के लिए इसको अपने पक्ष में करने के लिए एक पत्र लिखता है कि भाई तू मेरा पक्ष दे दे, ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभ में ये किसके अधीन है, साझा के, और साझा किसको उपचार रहा है, दारा सिखों को। तो दारा सिखों ने इसको पत्र भेजा कि भाई तू मेरे पक्ष में आ जाए इस उत्तराधिकार संघर्ष में। लेकिन साझा ये जो राणा राज सिंह था ना थोड़ा चालाक था, पहले ही समझ चुका था कि ये औरंगजेब इनमें सब में शक्तिशाली है, औरंगजेब ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला है। इस कारण उसने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा और इसको किसी को बुरा ना लगे इस कारण दारा सिखों को उस पत्र का उत्तर दे दिया कि भाई ऐसा है दारा सिखों, मेरे लिए तो सब राजकुमार एक जैसे हैं, मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले सकता, किसी का भी बुरा नहीं बन सकता। तो इसको उत्तर दे दिया और खत्म। उसी समय में औरंगजेब का भी जवाब उसको पत्र मिला कि तू मेरा साथ दे दे, औरंगजेब को भी उसने वही उत्तर दे दिया कि भाई मैं किसी का साथ नहीं दे सकता, मेरे लिए तो सब कैसे हैं एक जैसे। लेकिन औरंगजेब इससे इसी बात से खुश हो गया था कि इसने दारा सिखों का साथ नहीं दिया है, ठीक है, हालांकि इसने अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का ही साथ दिया था, ठीक है, इसके बदले में इसने कुछ परगने भी प्राप्त किए थे। अब यहां पर देखना है तो औरंगजेब का यहां पे ये विश्वासी बन गया कि इसने मेरा साथ नहीं दिया तो कम से कम इसका भी नहीं दिया है। इसी बात से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने इस राणा राज सिंह का जो पद था ना, जब ये औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इसका मनसबदार बढ़ाया था। ये पहले 5000 का मनसबदार था, इसका मनसब बढ़ा के 6000 का मनसबदार बना। मनसबदार एक रैंक थी, एक पद था, ठीक है, कि जिसकी जितनी बड़ी जितना मनसबदार था उसको जितने का मनसब था उसकी जो प्रतिष्ठा थी ना वो उतनी ही अधिक थी। सर्वाधिक जो मनसबदारी दी गई थी राजस्थान में वो दी गई थी आमेर के मान सिंह को, उसको 7000 का मनसबदार बनाया गया था, बाकी के सब 3000 5000 6000 ये थे। सर्वाधिक मनसबदारी किसे दी गई है ये याद रखना है, हम आमेर रियासत करेंगे उसमें हम नोट करा देंगे, लेकिन वैसे जनरली याद रखना है कि सबसे ज्यादा मनसबदारी राजपूताने में किसे दी गई थी, मानसिंह कछवाहा को दी गई थी अकबर के द्वारा 7000 की, ठीक है, क्योंकि वो उसे दत्तक पुत्र मानता था अपना, अकबर ने उसको फरजंद की उपाधि दी थी, अपने पुत्र के समान माना था। 7000 की मनसबदारी मुगल राजघराने से बाहर नहीं दी जाती थी, लेकिन पहला शासक हो गया कौन, मानसिंह, क्योंकि वो उसे पुत्र के समान ही मानता था, दत्तक पुत्र है फरजंद कहा। तो यहां पे हम चल रहे राणा राज सिंह पर, तो अब इसको यानी देखो ये औरंगजेब की कृपा दृष्टि में आ गया, तो अब साझा के बाद ये किसकी सेवा कर रहा है, औरंगजेब की सेवा कर रहा है। लेकिन यहीं पर फिर थोड़ा सा इन दोनों के बीच में मनमुटाव और ज्यादा होना है, कई ऐसे कारण रहेंगे कि इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति बनेगी। अब उन कारणों में हम देखें तो देखो सबसे पहले एक कारण ये चीज आती है कि एक रियासत है किशनगढ़ रियासत, कौन सी रियासत, किशनगढ़ रियासत थी, ये राठौड़ों की एक शाखा थी, जो मारवाड़ के राठौड़ थे ना उन राठौड़ों की एक शाखा थी किशनगढ़ रियासत, और यहां पर शासक थे रूप सिंह राठौड़। किशनगढ़ के शासक कौन थे, रूप सिंह राठौड़, रूप सिंह राठौड़ थे। इस रूप सिंह राठौड़ की एक पुत्री थी चारुमती, इसकी पुत्री का नाम क्या है, चारुमती, रूप सिंह राठौड़ की पुत्री थी चारुमती। अब यहां इसके विवाह को लेकर राणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य में संघर्ष होना है। अब हुआ क्या था कि इस रूप सिंह राठौड़ ने अपनी पुत्री चारुमती का, चारुमती सुंदर थी, अब सुंदर थी बड़ी हुई तो और ज्यादा अनेकासी फेरन लगी लगा भी लगी होगी, ठीक है, और सुंदर हुई तो इस चारुमती की खबर चर्चा हो गई कहां तक, औरंगजेब तक। अब औरंगजेब तक इसकी चर्चा पहुंची तो औरंगजेब ने इस चारुमती से खुद विवाह का प्रस्ताव पहुंचा दिया, कहां, किशनगढ़। अब प्रस्ताव पहुंचाया किसको, रूप सिंह को, कि भाई हम तुम्हारी पुत्री के साथ क्या करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। रूप सिंह बेचारा इतना बड़ा शासक नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था कि औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकरा सके। उसने कह दिया कि भाई ठीक है, जब आपकी इस इच्छा है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। लेकिन जब कंडीशन यह हुई कि चारुमती का विवाह संबंध अब किसके साथ तय हो जाता है, औरंगजेब के साथ तय हो जाता है, पहले ऐसी तय हो जाए, पहले देखा था कि ना करे,
ठीक है कि अब तो हमें अब ना देखें, अब तो लड़की को फूफा अलग आवेगो, मामा अलग आवेगो, भैया छुट्टी लेके अलग आवेगो, 50 फुट तो चाय पे बजाए, ठीक है, नाश्ता ये जाए तो एक दो, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर तो चारुमति का विवाह संबंध किसके साथ तय कर दिया भाई? औरंगजेब के साथ। अब यह औरंगजेब के साथ तय कर दिया, कुछ समय पश्चात किसको पता चला? चारुमति को। आजकल की तरह ना कि संबंध पीछे तय होंगे, पता पहले ही चल जाए, ठीक है। तो चारुमति को कुछ समय बाद पता चला कि भाई मेरा जो वैवाहिक संबंध है वो किससे तय कर दिया गया है? औरंगजेब से। अब चारुमति जो थी ना वो एक कट्टर हिंदू थी, वो हिंदू धर्म की पालना करने वाली थी। जब चारुमति को पता चला कि मेरा विवाह एक मुगल से हो रहा है, औरंगजेब से हो रहा है, उसे यह संबंध बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। इस कारण इस चारुमति ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि कैसे भी करके मेरा विवाह इससे नहीं होना चाहिए। उधर ये जो राणा रासिंग था, ये राणा रासिंग अपने हिंदू धर्म के लिए था, जाना जाता था, कट्टर हिंदू था। इस कारण इस चारुमति ने अपना विवाह इधर से रोकने के लिए एक पत्र लिखकर भेज दिया। किसको? राणा रासिंग को एक पत्र भेज दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मेरे घर वालों ने मेरा विवाह जो है एक मुगल के साथ तय कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि एक हंसनी का विवाह एक बुगले के साथ हो, ठीक है। इसको अपने आप को हंसनी बताया और उसको बुगला बताया था कि मैं नहीं चाहती कि एक हंसनी का जो विवाह है वो एक बुगले के साथ हो, और मैं चाहती हूं कि आप हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो आप अगर मेरे हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे विवाह कर लूंगी। अगर आप विवाह मुझसे करना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करती हूं, और अगर आपने मेरा ये वैवाहिक जो संबंध है वो स्वीकार नहीं किया तो मैं इसके साथ तो विवाह फिर भी नहीं करूंगी और मैं आत्महत्या कर लूंगी। और नीचे रेड पेन पे एक नोट लगा दियो कि अगर विवाह नहीं करो ना तो ये मेरे मरने की जिम्मेदारी राणा राज सिंह पे होगी, केस हो जाएगा तेरे नाम पे, ठीक है। तो नोट लगा के लिख दिया। अब ये खबर सब किसके पास पहुंचती है? राणा राज सिंह के पास पहुंचती है। तो अब जब राणा राज सिंह के पास ये खबर पहुंचती है तो भाई देखो सीधी सी बात है, एक तो हिंदू धर्म पे बात आई थी कि दोनों हिंदू धर्म पे, ठीक है, और दूसरा आई लक्ष्मी कोई ना लौटावे, है कि नहीं है। तो बात जब यहां तक आई थी तो अब ये जो घटना घटी थी ये था चारुमति के विवाह की घटना। देखें यहां पे तो चारुमति का विवाह, अब इस राणा राज सिंह ने चारुमति के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई जब बात यह है हिंदू धर्म की है तो हम इस विवाह को स्वीकार करते हैं प्रस्ताव को, और हम विवाह के लिए तैयार हैं। अब इसने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया लेकिन कहना कि रजाई बेच के जाड़ो मूल ले लियो, है ना। तो अब कंडीशन ये हुई, ये विवाह की जो घटना है वो है 1679 की, ठीक है सर, 1679 का समय है ये चारुमति के विवाह की। इधर इनके कार्ड छप गए, राणा राज सिंह संग चारुमति। उधर औरंगजेब जो था उसको साथ संबंध हो ही चुका था, तो उधर उसने भी तैयारियां कर रखी थी, वो मामा फूफी तक बात पहुंचाई दी होगी, ठीक है कि भाई हमारा भी ब्याह लड्डू जे में आ जाइए, है ना। तो बात यहां तक थी, लेकिन जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि जो संबंध मेरे साथ तय हुआ है अब वो संबंध किसके साथ होने जा रहा है? राणा राज सिंह के साथ। राणा राज सिंह किसके अधीन है? औरंगजेब के। शुरुआत में औरंगजेब ने इसको मना किया कि भाई ये विवाह संबंध हमारे साथ हो रहा है, तू बीच में क्यों फंस रहा है, ठीक है। लेकिन साहब राणा राज सिंह नहीं माना और राणा राज सिंह ने ये विवाह की तैयारियां तक शुरू कर दी। और जब औरंगजेब को पता चला कि भाई ऐसे बात नहीं होगी तो अब औरंगजेब ने इस विवाह को रोकने के लिए अपनी सेना को भेज दिया, ठीक है। इधर सेना भेज दी गई और जब औरंगजेब की सेना इस विवाह को रोकने के लिए आगे बढ़ती है तो इधर विवाह का समय था, विवाह प्रारंभ था, और उधर ये था कि राणा राज सिंह का एक राजपूत सरदार था जिसका नाम था रतन सिंह चूड़ावत, ठीक है। रतन सिंह चूड़ावत ये सलूम्बर रियासत का था, उदयपुर में पड़ती है सलूम्बर, ठीक है, ये सलूम्बर का रहने वाला था रतन सिंह चूड़ावत। और इस राणा राज सिंह ने विवाह जब चल रहा था तो इस रतन सिंह चूड़ावत को बुलाया और उससे कहा कि भाई देख बात ऐसे ऐसे है कि ये विवाह होना बहुत जरूरी है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जब तक मैं विवाह संपन्न कर पाए, जब तक ये जो फेरे लगे ना तब तक तू ऐसा कर कि सेना ले जा और औरंगजेब को, जो सेना है औरंगजेब की, उसको रोके रख, भले ही जैसे फेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं खुद युद्ध भूमि में आ जाऊंगा और फिर भले ही चाहे वीरगति कोई प्राप्त हो जाए लेकिन यह हिंदू धर्म की रक्षा तो हो जाएगी।
ठीक है। तो अब ये रतन सिंह चूड़ावत को साहब ये काम सौंपा गया था। अब देखो शादी विवाह का टाइम चल रहा था, कछु दिन पहले ही रतन सिंह चूड़ावत की भी शादी है क्या, इसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था हाड़ा रानी से। अब हाड़ा रानी का मतलब हाड़ौती चित्र की सहल कबर, कौन है सहल कबर के साथ इसका भी विवाह हुआ था सहल कबर के साथ। अब सहल कबर के साथ हुआ, सहल कबर अत्यधिक सुंदर थी, ठीक है। अब इसको भी यानी बहुत प्रेम था अपनी पत्नी से। अब इसको आदेश मिला युद्ध में जाने का, लेकिन कंडीशन ये भी रतन सिंह चूड़ावत की, देख खुद तो विवाह कर रहा है और हमें मरवा भेज रहा है, ठीक है। अब उसका मन नहीं कर रहा है कि साहब वो अपनी पत्नी को छोड़कर युद्ध भूमि में युद्ध के लिए जाए, महल में रुक रहा है। लेकिन जब अंतिम आदेश मिला कि भाई अब फटाफट सेना लेके पहुंचो, उधर आगे बढ़ रही है विपक्षी सेना, तो अब बिना मन से रतन सिंह चूड़ावत जो है चला। लेकिन जब चला तो उसके दिल और दिमाग में तो कौन छाई रही है, सहल कबर। उसको तो सब सहल कबर दिख रहे हैं, कोई भी दिख रहा है उसकी तस्वीर दिख रही है सहल कबर, औरंगजेब की सेना सहल कबर दिख रही है, बड़ा खुश हो रहा है कितनी सहल कबर। बोला मैं तो किसी पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। और वहां युद्ध प्रारंभ की स्थिति आ जाती है और वो चुपचाप खड़ा है, उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। अब उसे अचानक से, जब युद्ध प्रारंभ हो चुका होता है, उसे अचानक से एकदम उसका जो दिमाग है वो संतुलन में आता है और उसे एकदम होश आता है कि तू कर क्या रहा है, अगर मैं यहां पर ये नहीं कर पाया जो मेरा काम है तो वह हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। उसने तुरंत युद्ध भूमि में से एक सैनिक को भेजा कि तू यहां से जा फटाफट और रानी के पास पहुंचना, सहल कबर के पास, और उसे बोलना कि कोई सेनाड़ी दे दे, सेनाड़ी यानी निशानी, कि कोई ऐसी सेनाड़ी दे दे जो मैं जो सेनाड़ी मेरे पास रहे और मुझे उस रानी की याद नहीं आए और मैं अपना काम कर सकूं। वो वहां से भागता दौड़ता युद्ध भूमि में से गया था, तलवार साथ होगी, और जैसे पहुंचा सहल कबर के पास कि रानी ऐसे ऐसे बातें, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं वहां, ठीक है, तो वो सेनाड़ी मंगा रहे हैं, कोई ऐसी सेनाड़ी दे दो जिससे कि उन्हें आपकी याद नहीं आए। अब रतन जब ये पहुंचा वहां पे तो सहल कबर ने भी एक बात सोची कि मेरी वजह से जो मेरा पति है ना वो अपना धर्म नहीं निभा पा रहा है, और अगर उसने अपना धर्म नहीं निभाया उस तो यहां पर हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी और मैं इसके बीच में आड़े आ रही हूं। तो उसने कहा था कि ठीक है ये तलवार दो मुझे, तुम्हें अभी मैं सेनाड़ी दे देती हूँ। अब बाने तलवार यूं दी होगी कहीं तो उतार के देगी, कहीं ऊंची पड़ रही होगी, कोई सेनाड़ी टंग रही होगी कहीं, ठीक है। उसने तलवार दे दी और इस हाड़ी रानी सहल कबर ने उस सेनाड़ी के रूप में अपना शीश काट कर भेंट कर दिया, शीश काट दिया। अब देगी तो कैसे कट को होगा वो तो, ठीक है, लेकिन शीश काट कर भेंट कर दिया था इस हाड़ा रानी सहल कबर ने, ठीक है। अब उस कटे हुए शीश को लेकर रतन सिंह चूड़ावत के पास युद्ध भूमि में पहुंचता है कि ले भाई सेनाड़ी आते बड़ी कोई निशानी ना है, ठीक है। तो उसको देखकर रतन सिंह चूड़ावत की जो भुजाएं हैं वो फड़क उठती हैं और इतने जोश में आ जाता है रतन सिंह चूड़ावत कि इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ उसको पूरी जितनी भी सेना है, जो जितने हत्थे चढ़े ना वे सब मार दिए, ठीक है, और खुद भी वीरगति को प्राप्त हो गया इस युद्ध में। अब ये जो युद्ध है ना, ये युद्ध होता है कहां, एक दर्रे के पास होता है जिसे कहते हैं देसूरी की नाल। इस युद्ध को देसूरी की नाल का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो कब हुआ है ये युद्ध, 1679। इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो किसकी विजय हो गई, राणा राज सिंह की विजय हो गई। इसका मतलब राणा राज सिंह ने किससे विवाह कर लिया है, चारुमती से विवाह संपन्न हो जा। जब ये खबर पहुंचती है किसके पास, औरंगजेब के पास, कि ना चारुमती मिली ना युद्ध में विजय मिली। इस युद्ध के बाद, इस पराजय के बाद, अब ये जो औरंगजेब है ना, ये कड़े कड़े यानी कि अपने नियम बना देता है, बहुत कठोर नियम बना देता है, हिंदुओं के लिए बहुत कठोर स्थिति पैदा कर देता है कि देखो इस युद्ध के बाद की घटना क्या क्या होती है। कि इस युद्ध के बाद की जो घटना होती है, इस विजय के पश्चात में ये जो औरंगजेब है ना, ये जो औरंगजेब होता है, इस औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में ही जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, ठीक है, जजिया कर को पुनः लागू, ये प्रश्न ध्यान रखना कई बार आ चुका है, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक है औरंगजेब। ये जजिया कर एक धार्मिक कर था, ठीक है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जो मुसलमानों को छोड़कर सबसे लिया जाता था, ठीक है। इस जजिया कर को 1564 में अकबर समाप्त कर चुका था, ध्यान रखना, ठीक है।
अकबर ने ये कर 1564 में समाप्त कर दिया था, उसके बाद ये कर नहीं लिया जाता था, लेकिन 1679 के इस युद्ध में हारने के बाद अब इस औरंगजेब ने इस जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ठीक है सर, अब इसके विरोध में किसने विरोध किया जजिया कर का? राणा राज सिंह। तो राणा राज सिंह ने, अब देखो राणा राज सिंह की घटना, तो राणा राज सिंह ने किसका विरोध किया है? जजिया कर का। ठीक है, कि जजिया कर का विरोध किया और खूब चैलेंज के साथ किया था कि तेरी दुश्मनी मुझसे है व्यक्तिगत, पूरी जनता को इसके लपेटे में मत लो। लेकिन उसको तो पूरा काम करना था, क्योंकि उसको तो हार का बदला लेना था। ठीक है, तो जजिया कर का क्या किया है साहब? एक तो ये काम हुआ था विरोध। उसी के बाद में देखो अब दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। इसके समय में ही ये जो औरंगजेब था ना, ये कट्टर मुसलमान था। जब इसी समय की बात है, तो इसी समय की बात है, तो औरंगजेब ने पूरे भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए। ठीक है, पूरे देश में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। तो ये मंदिरों को जब तोड़ा जा रहा था, तो अब एक मंदिर था, ठीक है, हमारे वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में यानी कि मंदिर था श्रीनाथ जी का मंदिर। उस श्रीनाथ जी के जो मंदिर में जो मूर्ति थी ना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, इस श्रीनाथ जी के मंदिर पर जब औरंगजेब की सेना पहुंचती, उससे पहले श्रीनाथ जी के जो मंदिर के गोसाई थे ना, उन गोसाइयों ने इस श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको वहां से हटा लिया कि टूटेगी, इसको खंडित किया जाएगा। उस वजह से वो उसे उठाकर और उस जंगलों में उसको लेकर छिपते छिपते हुए घूम रहे थे। और जब वो वृंदावन से निकल कर इधर उधर चल रहे थे, तो उन्हें पता चला था कि है एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहा है मुगलों से, और वो व्यक्ति कौन था? तो अब वो जो गोसाई थे, उन गोसाइयों ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को राणा राज सिंह तक पहुंचा दिया, और राणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर एक मंदिर बनवा दिया, और श्रीनाथ जी की मूर्ति का निर्माण करवा दिया। मंदिर का निर्माण नाथ द्वारा, कहां है ये? राज सिंह। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? राणा राज सिंह ने इसके मंदिर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में आराम से निकल जाए, इसके बाद में देखो अगली अगर हम घटना देखते हैं, तो एक तो इसके मंदिर का निर्माण करवाया है, उसके अलावा राणा राज सिंह ने एक और मंदिर बनवाया, द्वारकाधीश जी का मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया है? कि द्वारकाधीश जी का मंदिर। और द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है? कांकरौली राजसमंद। ठीक है, कि कांकरौली राजसमंद में द्वारकाधीश जी के मंदिर का निर्माण करवाया है, ये घटना घटित हुई। इसके बाद में देखो अभी यह और घटना घटित होती है, इसी बीच में ये हमारा मेवाड़ चल रहा है, इस राणा राज सिंह ने मारवाड़, मैं भी लेके चलूंगा 5 मिनट के लिए आपको मारवाड़, कि मारवाड़ के राजकुमार आएंगे अभी, मारवाड़ के राजकुमार है अजीत सिंह। जब मारवाड़ रियासत चलेगी इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। मारवाड़ के राजकुमार थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह को राणा राज सिंह ने मेवाड़ में क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है, कि अजीत सिंह ने शरण दी थी। अब देखो थोड़ा सा मैं यहां पे ले चलते हैं, अपन मारवाड़ चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए, कि मारवाड़ जो रियासत थी, इस मारवाड़ रियासत की बात है कि इधर तो औरंगजेब था, मारवाड़ रियासत में हम बात करें तो मारवाड़ रियासत में यहां पर एक शासक थे जसवंत सिंह, इसके समकालीन मान लो उनको जसवंत सिंह। ठीक है, ये जसवंत सिंह राठौड़ मारवाड़ के शासक थे, और जसवंत सिंह ने भी साझा की ही सेवा की थी प्रारंभ में, जैसे इन्होंने की थी राणा राज सिंह के पिता जगत सिंह प्रथम ने, और इधर से ये। तो जसवंत सिंह के समय में ही साझा के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। ठीक है, और जब साझा के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, तो सबसे बड़ा कौन था? दारा सिको। तो इस जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में दारा सिको का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? दारा सिको का साथ दे दिया था। ठीक है, हालांकि दारा सिको ही हारा था उस युद्ध को, लेकिन साथ दिया था जसवंत सिंह ने किसका? दारा सिको को। अब इस युद्ध में हारने के बाद, अब देखो इसने इसका साथ दिया, औरंगजेब का नहीं दिया, तो औरंगजेब ने तो इसके प्रति मन में गांठ यहीं से बैठा ली अपने में, कट्टर था वो, कि इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, इसने तो चालाकी से किसी का नहीं दिया था, तो उसने दारा सिको का, हालांकि दारा सिको हार गया, तो उसने अपने मन में गांठ बैठा ली थी इस जसवंत सिंह के प्रति औरंगजेब ने। ठीक है, तभी से उसके बाद में जब ये देखो इसके बारे में भी कहानी आती है,
कि जब ये दारास को ये जो जसवंत सिंह राठौर थे युद्ध में हार कर वापस अपने घर पहुंचे थे तो इनकी एक रानी थी करमेती, ठीक है, और करमेती ने इनके लिए दुर्ग के द्वार बंद कर दिए थे जब ये हार कर गए थे। ये कहते हुए दुर्ग के द्वार बंद कर दिए कि राजपूत या तो जीत कर आते हैं या मर कर आते हैं, हार कर नहीं आते, और तू हार कर आया है तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ, चल हट, ठीक है। तो ऐसी भी पतन रानियां थी, तो यहां पर देखना है अपन को। इसके बाद अगला युद्ध हुआ था कौन सा, दौराई का युद्ध 1659 में। अब जब दौराई का युद्ध हुआ था तो मैंने अभी बताया दौराई के युद्ध में 1659 में हुआ, अजमेर में हुआ, तो हमारे राजस्थान में हुआ था। अब उस युद्ध के समय में भी दारासिको ने इसको पत्र भेजा कि ताऊ जी आ जाओ नेकोर। अब दारासिको के जब ये दोबारा पत्र पहुंचा था, जसवंत सिंह ने तो पहले ही सोच लिया था कि अब की बार तो गेट में ना घुसन दियो, ठीक है, बड़ी मुश्किल से उसकी सास ने समझाया था तब जाके गेट में घुसने दिया था इस दारासिको को, और अंदर जाकर भी इसे सोने चांदी के पात्रों में भोजन नहीं मिला, लकड़ी के पात्रों में भोजन दिया गया था कि तेरी औकात इतनी कही है अब, ठीक है, धर्मत के युद्ध के बाद। अब जब दोबारा और बुला रहा है उसको तो उसने भी अब वही जवाब दिया था जो राणा राज सिंह ने जवाब दिया था। मोबाइल बंद कर लो भाई साहब, बस प्लीज, है ना, अब और कोई टीचर नहीं है क्लास में, ध्यान रखा करो, वो टीचर है मैं मास्टर हूं, मास्टर का मतलब होता है मालिक, और मालिक को सब पता होता है कहां क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखें। तो जब दारासिको ने दोबारा पत्र भेजा तो दोबारा पत्र के समय में इसने भी वही जवाब दे दिया उसको जो जवाब राणा राज सिंह ने दिए थे कि भाई ऐसा है मेरे लिए तो सब बराबर है, मुझे किसी का पक्ष नहीं ले। अब दूसरे युद्ध में तो साथ नहीं लिया, लेकिन औरंगजेब ने तो मन में ही गांठ बैठा ली थी ना पहले से कि पहले में एक साथ क्यों दिया था। अब कंडीशन देखो यहां पर, अब इधर तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, और जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब ने इससे भरपूर बदले लिए थे जसवंत सिंह राठौर से। जब हम मारवाड़ रियासत करेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे, तो अंतिम समय तक भी इसको कठिन से कठिन अभियानों में भेजता रहा। और 1678 ईस्वी की बात आएगी, और 1678 ईस्वी में जामरूद नामक स्थान पे, ये अफगानिस्तान में है वर्तमान में, इस जामरूद नामक स्थान पे औरंगजेब के द्वारा जसवंत सिंह को जहर दलवा के मार दिया जाएगा। अंतिम समय तक बदला लेता रहेगा, मृत्यु हो जाएगी जहर के कारण जसवंत सिंह की। यहां पर एक कंडीशन बनेगी कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई है ना, तो उस समय जसवंत सिंह की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, ठीक है, तो संतान नहीं थी। और इसकी मृत्यु की खबर जब औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब बड़ा खुश हो गया था इसकी मृत्यु पर, और खुश होते हुए ना औरंगजेब ने कथन कह दिया था कि आज कुप्र का गढ़ टूट गया, कुप्र का मतलब धर्म विरोधी, कि उसका घर ही टूट गया, क्योंकि कोई संतान ही नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, कि आज कुप्र का गढ़ टूट गया, यह कथन है औरंगजेब का इस जसवंत सिंह की मृत्यु पर। अब उसने जोश जोश में कथन तो कह दिया सब, लेकिन कुछ समय पश्चात ही पता चलता है कि जसवंत सिंह की दो रानियां गर्भवती हैं, एक जादम और दूसरी नरू के, ठीक है, जादम और नरू, ये दोनों गर्भवती हैं। अब औरंगजेब तक ये खबर पहुंची तो अब उसने तो कह दिया कुप्र का गढ़ टूट गया, और यहां पे यानी कि दोनों गर्भवती हैं तो एक ना एक तो पुत्र को जन्म देगी, कहां गढ़ टूटा है, वंश आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कारण औरंगजेब ने ना इन गर्भवतियों के जो पुत्र गर्भ में जो थे ना, इनको ही मरवाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया, किसी बहुत लंबी कहानी बनेगी, मारवाड़ में चलेंगे, और वहां जाकर इस जादम ने तो एक पुत्र को जन्म दिया था अजीत सिंह को, और नरुकी ने दिया था दलथम्मन को, ठीक है, दलथम्मन को। ये दलथम्मन मर गया, अजीत सिंह का लालन पालन उसकी धायमा गोराधाय करेगी। इसका लालन पालन कौन करेगी, इसका लालन पालन गोराधाय करेगी, और इधर मारवाड़ में जो राजपूत हैं उनको एक करने का जिम्मा लिया हुआ है किसने, दुर्गादास राठौड़, जिसे राठौड़ों का यूलिसस या मारवाड़ का उद्धारक कहेंगे, मारवाड़ रियासत चलेगी, तो उधर वो एक करने में लगा हुआ है सबको, क्योंकि खालसा राज्य घोषित कर दिया था औरंगजेब ने मारवाड़ को, ठीक। अब उसके बाद में कंडीशन क्या होती है कि अजीत सिंह का लालन पालन अब दिल्ली में हो रहा है, और इसको मारने की योजना में औरंगजेब लगा हुआ है कि जब भी मौका मिलेगा मार दिया जाएगा। इस योजना का पता चलता है गोराधाय को, और गोराधाय खबर भेज देती है दुर्गादास राठौड़ को, किसी भी प्रकार से सपेरे का भेष बनाकर पहुंचता है, लंबी है कहानी। तो वहां पर जाकर दुर्गादास राठौड़ किसको बचा ले आता है, वहां से ले जाता है दिल्ली से, और अब वो मारवाड़ पहुंचता है, तो वहां पर देखता है कि औरंगजेब की सेना पीछा कर रही होती है। तो अब ये दुर्गादास राठौड़ इस अजीत सिंह को लेकर किसके पास पहुंच जाता है, राणा राज सिंह के पास, कि सबन ने पता ही बस एक ही है अमरीशपुरी तो टक्कर ले वे बार,
ठीक है, तो यहां राणा रासिंह के पास पहुंच जाता है। राणा रासिंह किसको शरण दे देता है? अजीत सिंह को शरण दे देता है। आगे बात समझ में, हम मेवाड़ से मारवाड़ तक घूम के आ गए, ठीक है, शॉर्टकट में गए, लेकिन वहां से वापस यहां पे आ जाते हैं अजीत सिंह को। और जब ये औरंगजेब मर जाएगा 1707 में, इस अजीत सिंह का राज्याभिषेक करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मारवाड़ पे अजीत सिंह शासक बनेगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707। अब देखो इसके बाद और कंडीशन, ठीक है, कि ये जो राणा राज सिंह था, इस राणा राज सिंह के शासनकाल में 1662 ईस्वी में एक झील का निर्माण करवाया गया था, और वो झील है कौन सी? राजसमंद झील। ध्यान रखना है कि राजसमंद झील का जो निर्माण हुआ है वो किसके शासनकाल में हुआ है? राज सिंह के शासनकाल में राजसमंद झील का निर्माण हुआ। इस राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है, ठीक है, जिसे हम नौचौकी की पाल कहते हैं, राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल, जिसे हम नौचौकी की पाल के नाम से जानते हैं, उस नौचौकी की पाल पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख लिखा हुआ है, जो संस्कृत भाषा के पद्य रूप में, लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना। ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो राजसमंद झील के किनारे ही लगा हुआ है। राजसमंद झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? राणा राज सिंह के में। और राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट। कौन है? ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति के रचयिता है रणछोड़ भट्ट। और ये जो रणछोड़ भट्ट है, ये किसके दरबारी है? ये प्रश्न पूछ ले तो रणछोड़ भट्ट जो है वो दरबारी थे किसके? राणा राज सिंह। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये इनके दरबारी थे रणछोड़ भट्ट, और इन्हीं के द्वारा कौन सी प्रशस्ति की रचना की गई है? राज प्रशस्ति की जो रचना की गई है वो इन्हीं के द्वारा यानी कि की गई है। इसके अलावा देखो, ये जब कंडीशन होती है, जजिया कर का विरोध तो कर रहा है, लेकिन जजिया कर समाप्त नहीं किया औरंगजेब ने, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ की जनता, सामंत जो थे, वो सब पहुंचे किसके पास? राणा राज सिंह के पास, कि राणा इतना भी अपने ऊपर या अपने अहंकार पर काबू करना सीखो, इतना भी नहीं करना है कि जनता दुखी हो रही है। जजिया कर से बहुत बड़ा समस्या थी। राणा राज सिंह ने कह दिया कि भाई मैं इसके अधीनता तो करूंगा नहीं, ठीक है, कि अब इसका मेरा जो विरोध है ना वो मेरे मरते दम तक चलेगा, कि मैं अब कभी इसके सामने झुकूंगा नहीं, औरंगजेब के सामने। सामंतों ने समझाया, जो भी रहा, उसके तहत इस राणा राज सिंह के पुत्र जयसिंह प्रथम को किसके सेवा में भेजा गया था? औरंगजेब के, कि इसके बाद औरंगजेब की सेवा में भेज दिया गया। लेकिन जब तक ये जीवित रहा था, औरंगजेब ने जजिया कर समाप्त नहीं किया। 1680 में राणा राज सिंह जो थे, इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु होने पर इनके पुत्र जयसिंह प्रथम जो है राणा जयसिंह, ये गद्दी पर बैठेंगे। और 1631 में, अगले ही वर्ष 1631 ईस्वी में, ये जो औरंगजेब है ना, ये औरंगजेब कौन से कर को समाप्त कर देगा? जजिया कर को समाप्त कर देगा। ये शासक होते हैं हमारे कौन से? राणा राज सिंह। कोई समस्या राणा राज सिंह में? ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है, बस मैंने अभी आपको बताया कि वह चत्राणी जिसने अपना शीश काटकर भेंट किया है वो कौन है? इसी सहल कबर के ऊपर एक कवि हुए थे मेघराज मुकुल, ठीक है, मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी पर एक कविता लिखी, और उस कविता का शीर्षक रखा था सेनाड़ी, ठीक है, कि मेघराज मुकुल ने सेनाड़ी नामक एक कविता लिखी थी कि चूड़ावत मांगे सेनाड़ी, सिर काट दियो छत्राणी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मेघराज मुकुल के द्वारा ये कविता लिखी गई है, किसके ऊपर? सहल कबर, हाड़ी रानी सहल कबर के ऊपर। ये होते हैं राणा राज सिंह, इसको नोट कराएंगे नेक्स्ट, ठीक है।